करता रहा हूँ। ऐसी भयानक बाढ़ पहली बार आई बेतवाजी और उनकी सहायक नदियों में, और 65 की हमने नहीं देखी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 65 जैसी ही, कुछ कहते हैं ज्यादा थी, कुछ कहते हैं थोड़ी कम थी, लेकिन वैसी भयानक बाढ़ थी। पानी अभी उतरना शुरू हुआ है, पूरा खाली होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कल भी मैं लगातार बासौदा उतर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हुआ था, विदिशा के आसपास भी देखा था, कुरवाई भी मैं गया था, और मैं राजगढ़ और गुना भी गया था, और आज भी यहां से कुरवाई होकर भिंड और मुरैना मुझे जाना है। लेकिन तत्काल आने का कारण यही था कि कुछ चीजें प्राथमिकता के आधार पर हमको करनी है। अब पानी जैसे ही उतरेगा, सबसे पहली आवश्यकता है कि जो सिल्ट जमेगी, कपा माटी, फिर चीजें कई सड़ गई होंगी, उनकी बदबू, उसके कारण कई तरह की बीमारियों का खतरा। और इसलिए आज मैंने सवेरे भोपाल में मीटिंग करके सारे डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सबको बुला के निर्देश दिए कि यहां जितने लोगों की जरूरत हो अलग अलग डिपार्टमेंट को, एक शहर और गांव वहां से सिल्ट हटाना है, अनाज सड़ रहा होगा कहीं अगर डूब गया है तो, और कई तरह की चीजें होगी तो वो सफाई का अभियान चलाना है। हमने पूरी कोशिश की, मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने, ऊपर से लेके कलेक्टर कमिश्नर से लेके नीचे तक, चाहे पुलिस के साथी हो, होमगार्ड के जवान हो, हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी बुलवाए थे, और हमारी पहली प्राथमिकता थी लोगों की जिंदगी बचे। ये संतोष है कि रेस्क्यू करके कई लोगों को हमने बाहर निकाला, होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला, जनता के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा साथ दिया, और हमने हेलीकॉप्टर से भी लोग निकाले। तो पहली प्राथमिकता थी लोगों की जान बचे, जिसमें मुझे एक बार बधाई देता हूं सब लोगों को, उन्होंने बहुत मेहनत से, और धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, मेहनत से काम किया प्रशासन के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी। अब पहली चीज सफाई, दूसरी चीज पेयजल की सप्लाई, क्योंकि हमारा जो पानी का फिल्टर प्लांट है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, डूबा है, तो जैसे पानी उतरता है टीमें लगा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल-जल योजनाएं बंद होगी उनको चालू करवाना, फिर पानी का शुद्धिकरण के लिए जो अलग अलग दवाइयां डालते हैं वो डलवाना ताकि बीमारी फैलने का खतरा ना हो, और उसके बाद बिजली की व्यवस्था को बहाल करना, क्योंकि बिजली को बहुत सावधानी से चालू करते हैं, अगर पानी में करंट आ गया तो फिर उससे जिंदगियां खतरे में पड़ती है, और इसलिए बिजली विभाग जुटेगा पानी उतरते ही बिजली की व्यवस्था को ठीक करने में। सब स्टेशन ट्रांसफार्मर डूब गए, खंभे गिर गए, कई तरह की चीजें हुई है, एक उसमें लगना है। और उसके बाद हम सर्वे प्रारंभ करेंगे ताकि जो नुकसान हुआ है जनता जनार्दन का, फसलें डूबी है, फसलों का भी सर्वे होगा, मकानों का सर्वे होगा, जो नुकसान हुआ है क्षति का, अगर पशु बहा है तो उसका भी सर्वे होगा, और जो नुकसान हुआ है जनता का उसकी भरपाई हम कर पाए इसकी हम कोशिश करेंगे। तो सर्वे में भी पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ये मेरा, मैंने जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन दोनों को, जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, प्रशासन को मैंने निर्देश दिया है ताकि जिसका नुकसान वो आ जाए उसमें पंचनामा भी हम बनाएंगे और पूरी सूची चिपकाएंगे, जनता भी देख ले एक बार, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे, फसल की क्षति जो हुई है उसका जो आरबीसी 64 के हमारे नियम उसके अंतर्गत उसकी भरपाई करेंगे, फसल बीमा योजना का पैसा अलग मिलेगा, मकानों की क्षति हुई है कच्चे की, सेमी कच्चे की, पक्के की, उसका भी हम सर्वे करके उसकी व्यवस्था फिर से करने के काम में हमको जुटना है। और एक और चुनौती हमारे सामने, जिनके घर पूरी तरह से डूबे थे उनके घरों में भोजन बनाने की तत्काल व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि कुछ दिन राहत कैंप चलाए जाएं और भोजन बना के उनको
कराने की व्यवस्था की जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो। और फिर बड़े व्यापक पैमाने पर पुल, पुलिया, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी चीजें, अनेकों प्रकार के काम करना है, उस काम में लगेंगे। मैं पूरी प्रदेश की जनता को, केवल विदिशा की नहीं, मैं यहां से कुरवाई भी जाऊंगा, फिर मुरैना भिंड भी जाऊंगा, कल भी राजगढ़ भी गया, मैं गुना जिले में भी गया, रायसेन जिले में भी मैं गया, जहां जहां नुकसान हुआ है। मैं विदिशा से ही पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिक्कत और संकट है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूं, सरकार साथ खड़ी है, हम संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और राहत के भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे।